लास्ट लेक्चर में अपने 2.5 के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, अगर हमें पहले इसका बेसिक देखते हैं, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, किसी बिंदु की स्थिति बतानी भी, ये बिंदु है कहां पर, तो उसमें हम उस बिंदु की स्थिति ऐसे लिख सकते हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति उसमें काम है। जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसमें ये बिंदु पड़ा है, मान लिया ये यहां पर एक बिंदु। अगर हमें कहे कि इस बिंदु की स्थिति बताओ, तो हम यहां तो क्या कहेंगे, ये ऊपर से नजदीक है, यहां क्या करेंगे, बाएं से नजदीक है, यही चीज कहेंगे, अपने आईडिया ही लगाएंगे इसमें, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसकी फिक्स वैल्यू बताने के लिए हमें दो रेखाओं की जरूरत होती है, कितनी रेखाओं की, दो रेखाओं, एक रेखा क्षैतिज और एक रेखा होती है हमारी ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार से कि ये क्षैतिज और इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर, समझिए, किसी बिंदु की स्थिति बतानी है तो हमें दो रेखाओं की आवश्यकता। देखो इस प्रकार से एक समतल है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें दो रेखाएं जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, ये इसको कितने क्वाड्रेंट में या कितने चतुर्थांश में विभाजित कर रही है, चार चतुर्थांश, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है हमारा सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। दोनों रेखाएं जहां पर ये काटती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती है, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। देखो ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहां मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो। जैसे अगर बात करें इस प्रकार से, यहां पर जीरो इस साइड संख्या रेखा के हमारे माइनस वाली संख्या चलती है, इस साइड हमारे पास प्लस की संख्या चलती है, इसी प्रकार इसमें इस साइड माइनस की संख्या चलती है, इसमें प्लस, ऊपर इसी प्रकार सेम इसमें प्लस की चलती है और इसमें माइनस, ठीक है। इस प्रकार संख्या रेखा देखते हैं, लेकिन अब हमें किसी बिंदु की स्थिति बतानी, तो ये जो एक्स डैश एक्स है, क्या है, एक्स डैश एक्स, इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। ये जो वाई वाई डैश है, इसको बोलेंगे वाई अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। जो हमारी होगी यहां पर क्षैतिज रेखा वो एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा वो क्या होगी, वाई अक्ष, इस प्रकार। अब इसमें दो पॉइंट और आते हैं, भुज और कोटि, क्या आते हैं, भुज और कोटि, भुज कोटि, भुज का मान बताना है आपने, भुज पर एक्स निर्देशांक क्या होना चाहिए हमारा, भुज पर एक्स निर्देशांक की वैल्यू होती है, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होता है, शून्य, भुज पर वाई निर्देशांक क्या होता है, शून्य, भुज के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कोमा जी। किसी भी बिंदु की स्थिति बताते हैं उसके मान क्या आते हैं, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई, ठीक है। भुज के निर्देशांक देखते हैं तो एक्स अक्ष ही बताई दिया, एक्स कोमा जी, जीरो कहां पर होता है, वाई का मान, ये दूसरा वाई का मान जीरो कहां पर होता है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, जीरो। कोटि के निर्देशांकों का निर्धारण करेगा वाई अक्ष,
इसके निरीक्षक हो जाएंगे 0, y। कोटि के निरीक्षक हमें ये y अक्ष बताएंगे, ठीक है। इसके निरीक्षक क्या आएंगे 0, y। x का मान 0 कहां पर होता है? y अक्ष पर। x का मान 0 कहां पर होता है? y अक्ष। इस पूरी अक्ष पर x का मान 0 होगा, इस पूरी अक्ष पर y का मान 0। दोनों यहां पर काटेंगे वो बन जाता है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु यहां पर दोनों काट रहे हैं, मूल बिंदु के निर्देशक क्या होते हैं? 0, 0। x निर्देशक भी 0 और y निर्देशक भी 0। अब बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन-कौन प्लस का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है, तो ये होता है प्लस प्लस। इसमें प्लस प्लस की वैल्यू ही आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू होती है माइनस, y की प्लस, तो ये क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी माइनस की आएगी और y की भी माइनस, तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस की, y की माइनस, x की प्लस की और y की माइनस। इस प्रकार से वैल्यू आपने देखनी है। अभी दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर x माइनस का है y प्लस का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस प्रकार से पहले आते हैं x के निर्देशांक, फिर आते हैं y के निर्देशांक। भुज के निर्देशांक देखने हैं x अक्ष, कोटि के निर्देशांक कौन बताएगा? y अक्ष। ये जो हमारी रेखाएं होगी ये होगी निर्देशांक अक्ष। हमारी रेखाएं क्या कहलाएगी? ये दोनों रेखाएं निर्देशांक अक्ष, और ये जो तल होता है, ये जिस तल पर स्थित है, ये तल क्या होगा? कार्तीय तल। कौन सा तल होगा? कार्तीय। ये इसका बेसिक है। इसके क्वेश्चन सारे इसी पर ही आधारित है। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।